हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टीजीटी पीजीटी केवीएस एनबीएस सीएलटी में, उन सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है क्रिकेट, एंड क्रिकेट से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सभी क्वेश्चंस को आपके समक्ष रख रही हूँ। एंड दोस्तों, इन सभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। उन सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं। एंड दोस्तों, डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज दिए जाते हैं, उसका प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चले चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में जब बाय दिया जाता है तो कितने रन बन सकते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कितने भी रन बन सकते हैं। जैसे कि क्रिकेट में जब बाय दिया जाता है तो कितने भी अर्थात 4 से अधिक रन भी बन सकते हैं, क्योंकि इस दशा में फील्डर के द्वारा ओवर थ्रो होने पर बल्लेबाज अधिक रन बनाने की स्थिति में आ जाता है। नेक्स्ट है, क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्रिकेट खेल में 4 अंपायर होते हैं। कौन कौन से? 2 फील्ड अंपायर होते हैं, 1 टीवी अंपायर यानी जिसे थर्ड अंपायर बोला जाता है, तथा 1 रिजर्व अंपायर फोर्थ अंपायर होता है। कुल मिलाकर के 4 अंपायर, यानी क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं? 4। नेक्स्ट है, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप सबको पता है 11 खिलाड़ी होते हैं, एंड पूरी टीम में 16 होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट बल्ले की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट बल्ले की कितनी लंबाई होती है? 38 इंच, 38 इंच यानी 96.5 सेंटीमीटर। एंड दोस्तों, क्रिकेट बैट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 4.25 इंच, 4.25 इंच यानी 10.8 सेंटीमीटर। एंड क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज यानी 20.12 मीटर यानी फीट में 66 फीट। और पिच की चौड़ाई कितनी होती है? 10 फीट। पिच की कितनी चौड़ाई होती है? 10 फीट। एंड विकेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? 28 इंच। और कुल चौड़ाई कितनी होती है क्रिकेट स्टंप की? 9 इंच यानी 22.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 10 फीट। नेक्स्ट है, क्रिकेट खेल में स्टंप की चौड़ाई कितनी होती है? तो 9 इंच होती है। कितनी होती है? 9 इंच यानी 22.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 गज यानी मीटर में 20.12 मीटर, वही फीट में 66 फीट होता है। यहाँ फीट में दिया है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 66 फीट। नेक्स्ट है, एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? जैसा कि बता चुकी हूँ, 38 इंच यानी 96.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के खेल में जमीन से विकेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 28 इंच यानी 71.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, क्रिकेट गेंद का वजन होता है, तो क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 155.9 से 163 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट की माप के बारे में सुमेलित है? पहला है पिच की लंबाई 20.22 मीटर, दूसरा है पिच की लंबाई 20.12 मीटर। यहाँ पे दूसरा सही लग रहा है, जैसे कि पिच की चौड़ाई जो होती है, लंबाई जो होती है, वह 22 गज यानी 20.12 मीटर यानी 66 फीट होता है। तो यहाँ पे दो
हो जाएगा। एंड तीसरा है पिच की चौड़ाई 3.25 मीटर है, 3.25 मीटर है, तो ये भी सही है आपका। एंड चौथा है पिच की चौड़ाई 3.05 मीटर, ये भी गलत है। पांचवा है पापिंग क्रीज 1.22 मीटर होता है, ये सही है। एंड इसमें कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, केवल 2, 3 और 5 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में कितने बाउंसर डाले जा सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2 बाउंसर डाले जा सकते हैं। यानी कि 1 अक्टूबर 2012 से बदले हुए नियमों के अनुसार टेस्ट मैच में प्रति ओवर 2 बाउंसर, वनडे मैच में प्रति ओवर 2 बाउंसर, टेस्ट मैच में प्रति ओवर 2 बाउंसर और वनडे मैच में प्रति ओवर 2 बाउंसर, पहले 1 बाउंसर दिया जाता था। एंड 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में प्रति ओवर 1 बाउंसर डाले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर जिसे पॉम टी हीटर के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? पाली उमरीगर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी पूर्व भारतीय क्रिकेटर पाली उमरीगर को उनके छक्का मारने की प्रवृत्ति के कारण उपनाम पॉम ट्री हीटर के नाम से पुकारा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? तो किससे है? क्रिकेट से। रोहिंगटन बारिया गोल्ड ट्रॉफी या समांतर रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। भारत में वर्ष 1935-36 से आरंभ इस ट्रॉफी का आयोजन प्रतिवर्ष अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी ट्रॉफी संबंधित है, तो किसे संबंधित है? क्रिकेट से। दोस्तों तो क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी या कप हैं, जैसे कि एशेज, देवधर ट्रॉफी, कुछ बिहार ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, एशिया कप, 2020 वर्ल्ड कप, रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, विश्व कप, शारजाह कप, इंदिरा प्रियदर्शनी ट्रॉफी, विजी ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? तो किससे है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी दी जाती है, किसमें दी जाती है, किस खेल में? तो क्रिकेट में ही दी जाती है। नेक्स्ट है, विजी ट्रॉफी जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से। नेक्स्ट है, एसेज शब्द संबंधित है किससे? क्रिकेट से। एसेज वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड्स का मैदान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है लॉर्ड्स का मैदान? इंग्लैंड में। लॉर्ड्स का मैदान या लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन, इंग्लैंड के सेंट जॉन्स वुड में स्थित एक क्रिकेट खेलने वाला मैदान है। इसका नामकरण इसके संस्थापक थॉमस लॉर्ड्स के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध खेल मैदान वानखेड़े स्टेडियम स्थित है, तो कौन है, कहाँ पे स्थित है वानखेड़े स्टेडियम? महाराष्ट्र में। दोस्तों भारत में क्रिकेट के प्रमुख राष्ट्रीय स्टेडियम हैं ईडन गार्डन कोलकाता में, ब्रिबान स्टेडियम मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में, नेहरू स्टेडियम इंदौर में, गुजरात स्टेडियम अहमदाबाद में, जो मोंटेरा स्टेडियम था दोस्तों अब उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। जैसा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है, इसके पहले एमसीसी था, मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब, अब मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब जो है दूसरे स्थान पर आ गया है, पहले स्थान पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है गुजरात अहमदाबाद में।
नेक्स्ट है अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में है, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बंगलुरु में है, शेर ए कश्मीर श्रीनगर में है, पीसीए स्टेडियम मोहाली में है, बाराबती स्टेडियम कटक में है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है, कहाँ पे स्थित है ईडन गार्डन? कोलकाता में। नेक्स्ट है, बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच के सेंटर से बाउंड्री लाइन की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 75 गज। यानी कि दोस्तों क्रिकेट पिच की सीमा रेखाओं की दूरी निश्चित नहीं होती, बट क्रिकेट से इन रेखाओं की दूरी 70 से 90 गज के बीच होनी चाहिए। इस कारण से खेल क्षेत्रों का आकार जो है सभी का अलग अलग होता है। नेक्स्ट है, एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जिम लेकर। यानी एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के प्रथम गेंदबाज जिम लेकर हैं। एंड भारत में कौन है दोस्तों? भारत के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले भी एक पारी में 10 विकेट पाकिस्तान के विरुद्ध प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम गेंदबाज हैं, विश्व में जिम लेकर और भारत में अनिल कुंबले। नेक्स्ट है, क्रिकेट के किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से? तो शोएब अख्तर को। किसको जाना जाता है? शोएब अख्तर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिली पॉइंट संबंधित है, तो किससे संबंधित है? क्रिकेट से। जैसे कि सिली पॉइंट होता क्या है? यह एक स्थान होता है जहां पर खिलाड़ी खड़ा होता है। एंड एंड दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जैसे गूगली, चाइना मैन, फ्लाइट, शॉर्ट पिच, क्लीन बोर्ड, बाई, बाउंड्री, लेग बिफोर, ओवर थ्रो, नॉट आउट, शूटर, स्लग ओवर, इनिंग्स, स्क्वायर लेग, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, गली, डक, मिड ऑन, मिड ऑफ, मिड विकेट, बेल्स, रबर, एसेज, डेड बॉल आदि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट के खेल से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन है डक, स्क्वायर लेग, शॉर्ट लेग, लॉन्ग लेग। तो दोस्तों इसमें डक, स्क्वायर लेग, शॉर्ट लेग तीनों जुड़ा हुआ है, जबकि लॉन्ग लेग नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सातवां विश्व कप क्रिकेट में खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए, कौन बनाया था सर्वाधिक रन सातवां विश्व कप क्रिकेट में? राहुल द्रविड़। यानी 1999 में हुए सातवें विश्व कप में सर्वाधिक रन 461 रन बनाने का श्रेय भारत के राहुल द्रविड़ को प्राप्त हुआ। एंड 2015 के विश्व कप में न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल ने सर्वाधिक 547 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप क्रिकेट कब आरंभ हुआ था? तो कब हुआ था? 1975 में विश्व कप क्रिकेट आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जैसे कि विश्व कप क्रिकेट सर्वप्रथम 1975 में इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। इस विश्व कप में विजेता वेस्टइंडीज एवं उप विजेता ऑस्ट्रेलिया था। एंड 2015 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। इस विश्व कप में विजेता ऑस्ट्रेलिया हुआ था एंड उप विजेता न्यूजीलैंड। एंड 2019 का विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित हुआ था।
जिसका विजेता इंग्लैंड और उपविजेता न्यूजीलैंड था। एंड दोस्तों 2023 में विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 3 महादेशों के लिए क्रिकेट खेला है? सुनील गावस्कर, एलन बॉर्डर, केपलर वेसेल्स, कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कोई नहीं, क्योंकि क्रिकेट के इतिहास में अब तक एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसने 3 महादेशों का प्रतिनिधित्व किया हो। दिए गए विकल्पों के आधार पर केपलर वेसेल्स को दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलने का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 वर्ष की आयु में क्रिकेट दल का कप्तान होने का सौभाग्य 2 भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त है। उनमें से एक है पटौदी और दूसरे खिलाड़ी का नाम है सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग किसके रूप में भी जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पंटर। यानी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग अपने साथी खिलाड़ियों के बीच पंटर उपनाम से मशहूर थे, मशहूर हैं। एंड भारतीय कप्तान विराट कोहली किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? चीकू, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापिंग क्रीज जुड़ा हुआ है किससे? जुड़ा हुआ है क्रिकेट से, जैसा कि आप सबको पता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जैसे कि दोस्तों पापिंग क्रीज एक खेल शब्दावली है जो क्रिकेट से रिलेटेड है। यदि गेंदबाजी करते समय गेंदबाज का पैर निश्चित रेखा यानी कि पापिंग क्रीज के बाहर चला जाए तो यह नो बॉल कहलाती है। पापिंग क्रीज विकेट के आगे समानांतर खींची गई सीधी रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीसी के रंग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लाल एवं पीला। जैसा कि दोस्तों मरिलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी लंदन की जर्सी का रंग लाल और पीला होता है। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट के एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम है, तो कौन है? गारफील्ड सोबर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जैसा कि विकल्पों के आधार पर टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड गारफील्ड सोबर्स को है, वेस्टइंडीज के नाम है। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 26 फरवरी 1958 को 365 रनों की नाबाद पारी खेली थी। टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक रन 400 रन बनाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा के नाम है, जबकि इसमें ब्रायन लारा नहीं दिया है दोस्तों, इसलिए इसमें गारफील्ड सोबर्स ही करेक्ट होगा। अगर ब्रायन लारा दिया होता तो ब्रायन लारा करेक्ट होता। सबसे कम उम्र, नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगा बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं, तो कौन है? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक पारियां खेलने वाले खिलाड़ी का नाम है, तो किसका नाम है? एलन बॉर्डर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी एलन बॉर्डर ने 156 मैचों में कुल 265 पारियां खेली। विकल्पों के आधार पर सुनील गावस्कर जो है वो दूसरे स्थान पे हैं, 214 पारियां इन्होंने खेला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 199 क्लब के सदस्यों की संख्या है, तो कितनी है? 6 सदस्य होते हैं अनलकी 199 क्लब में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे जुड़े हुए हैं, तो विजय हजारे किससे जुड़े हुए हैं? क्रिकेट से। जैसे कि दोस्तों विजय सैमुअल हजारे
भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। इनकी मृत्यु 18 दिसंबर 2004 को हुआ। इन्होंने भारत के लिए कुल 238 टेस्ट मैच खेले, जिसमें इन्होंने 2192 रन बनाए थे। नेक्स्ट है, शाहिद अफरीदी द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक बना था, कितने गेंदों में? 37 गेंदों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, किसको शताब्दी का सीएट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर घोषित किया गया? किसको शताब्दी का सीएट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर घोषित किया गया है? तो कपिल देव को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कपिल देव को वर्ष 2002 में विजडन इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया था, जबकि 2018 में विराट कोहली को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन खिलाड़ी मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? कौन जाना जाता है? श्रीनाथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मैसूर एक्सप्रेस से कौन जाना जाता है नाम से? श्रीनाथ। भारत के तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इन्हें वर्ष 1996 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से काउंट्री के लिए रवि शास्त्री खेले? तो कौन से काउंट्री के लिए खेले थे? ग्लेमोरगन, ग्लेमोरगन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। यानी रवि शास्त्री एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी है, खेल कमेंटेटर है, ये वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। इन्होंने ग्लेमोरगन काउंट्री के लिए भी खेला है। नेक्स्ट है, क्रिकेट का प्रथम टेस्ट मैच कब खेला गया था? तो कब खेला गया था? 1877 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसके बीच खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच मेलबोर्न में आयोजित किया गया था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया 45 रनों से विजयी हुआ था। नेक्स्ट है, डार्क हॉर्स के नाम से विख्यात क्रिकेट टीम है, तो कौन है? श्रीलंका क्रिकेट टीम को डार्क हॉर्स के नाम से विख्यात किया गया है। जैसे कि विश्व कप 1996 में श्रीलंका टीम की क्षमता एवं खेल को देखते हुए उनके लिए डार्क हॉर्स शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस विश्व कप में श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हराकर विजयी रहा। ऑस्ट्रेलिया की टीम को कंगारू नाम से भी संबोधित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को कंगारू नाम से भी एंड श्रीलंका की टीम को डार्क हॉर्स के नाम से भी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, क्रिकेट का प्रचार प्रसार किस काल में हुआ? तो किस काल में हुआ? ब्रिटिश काल में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि ब्रिटिश काल में ही ज्यादा लोकप्रिय है, लोकप्रिय खेल है। इस काल का प्रचलन 13वीं शताब्दी से हुआ, हालांकि इसका प्रचार प्रसार ब्रिटिश काल में हुआ है। 1760 ईस्वी में इंग्लैंड में हैम्बल्डन क्लब की स्थापना हुई। हैम्बल्डन क्लब की स्थापना कब हुई? 1760 में, जो लगभग 3 दशक तक क्रिकेट खेल का प्रचार प्रसार विकास आयोजन करता रहा। भारत में भी इस खेल को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है ब्रिटिश शासन काल में ही। नेक्स्ट है, विजडन विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो कब आरंभ हुआ? 1864 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोस्तों, क्रिकेट की बाइबिल के उपनाम से प्रसिद्ध है ब्रिटिश क्रिकेट पत्रिका विजडन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिकेट की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो विजडन पत्रिका को। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1864 में किया गया। तब से लेकर अब तक इसके 156 संस्करणों का प्रकाशन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली आईसीसी 2020 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता किस वर्ष खेली गई थी? तो किस वर्ष खेली गई थी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 2007 में। पहली आईसीसी 2020 विश्व कप क्रिकेट 2007 में अफ्रीका में खेला गया था।
एंड दोस्तों पहला आधिकारिक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच 1877 में मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। नेक्स्ट है, क्रिकेट के खेल में आमतौर पर प्रयुक्त शब्द सन्ड्री का अर्थ है। तो सन्ड्री का क्या अर्थ है? यह ऑस्ट्रेलिया में प्रयुक्त शब्द एक्स्ट्रा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वे सभी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एंड दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। एंड दोस्तों डेली बेसिस पे बने रहिए मेरे चैनल पे, क्योंकि मेरे चैनल पे आपके सभी टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया जा रहा है। एंड दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।